दोस्तों आज चेन्नई, वहीं यहाँ पर यहाँ LSG का मुकाबला खेला जा रहा है चेपोक स्टेडियम में। दोस्तों यहाँ पर चेन्नई की टीम ने पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों बेहद ही शानदार चेपोक में शतक मारा। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, मैं 31 गेंदों का सामना किया और यहाँ पर 57 रन ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी 57 रनों की पारी में 4 छक्के तो वहीं 3 चौके लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 183.87 की शरीर से शानदार बल्लेबाजी करी और अपने पहले चेपोक में खेले गए मुकाबले में यहाँ पर होम ग्राउंड में शतक मारा। दोस्तों रवि बिश्नोई गेंदबाजी करना है और मार्क वुड ने भी शानदार कैच लपका और यहाँ पर गायकवाड़ 57 रन के स्कोर पर आउट हुए। तो सभी डेविल कोलवे की बात की जाए तो यहाँ पर 29 गेंदों के अंदर 47 रन ठोक दिए, जिसमें डेविल कोलवे ने भी यहाँ पर 5 चौके तो वहीं यहाँ पर 247 रन बनाए और 3 रन दूर रह गए। यहाँ पर 2 छक्के भी लगाए। डेविल कोलवे ने 162.06 की शरीर से शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी करी। मार्क वुड ने यहाँ पर गेंदबाजी करना है और यहाँ पर कुणाल पांड्या ने बेहद ही शानदार यहाँ पर दोस्तों कैच लपक कर डेविन कॉनवे को 47 रनों के स्कोर पर यहाँ पर आउट किया। तीसरे नंबर पर आए यहाँ पर शिवम दुबे ने, मात्र 15 गेंदें खेली यहाँ पर और 15 गेंदों के अंदर 27 रन की एक बेहद ही तेज तर्राट आतिशी पारी खेली, जिसमें यहाँ पर 3 छक्के भी जड़ दिए और एक बेहद ही शानदार यहाँ पर चौका भी मारा। शिवम दुबे ने 180 की स्ट्राइक से शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी करी। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे ने, दोनों खिलाड़ियों ने अपने यहाँ पर पहले ही होम ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में यहाँ पर 80 रनों से ज़्यादा की पहले विकेट लिए। दोनों ने पार्टनरशिप की, दोनों खिलाड़ी बेहद शानदार खेले और सभी दर्शकों का यहाँ पर मन मोह लिया। दोनों खिलाड़ी बेहद शानदार खेले। यहाँ पर गायकवाड़ ने 57 रन बनाए 31 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 4 छक्के तो 3 चौके शामिल थे। 183.87 शरीर से गायकवाड़ ने बल्लेबाजी करी। दोस्तों गायकवाड़ ने शतक की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने 50 मारी, अच्छी बल्लेबाजी करी। पहले मुकाबले में शतक मारने के बाद दूसरे मुकाबले में कंटिन्यूस यहाँ पर शतक मारा और अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ की साई पर 2023 दो मैचों के अंदर 2 अर्धशतक हो चुके हैं। वह डेविड कोलवे भी अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब थे और 27 से मिलाकर ये भी आउट हुए। दोस्तों चौथे नंबर पर आए यहाँ पर मोइन अली ने दोस्तों यहाँ पर 8 गेंदे के लिए 6 रन बनाए 75 की शॉट से। दोस्तों यहाँ पर 13 एक्स्ट्रा रन अभी तक यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिले, जिसमें 6 वाइड के, 1 नो बॉल के, 2 यहाँ पर लेग बाय के, तो 4 यहाँ पर बाय के रन मिले। टोटल यहाँ पर 13.5 ओवर के अंदर 10.84 की रन रेट से 150 रन बनाए यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक 3 विकेट खोकर। दोस्तों बात की जाए तभी यहाँ पर बेनिस्टो, जडेजा, अंबाती रायडू, MS धोनी और सैंडर जैसे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आना बाकी है। दोस्तों अगर विकेट की बात करें तो पहला विकेट 110 पर गिरा था ऋतुराज गायकवाड़ का 9.1 ओवर के अंदर गायकवाड़ और यहाँ पर कॉनवे के बीच 110 रनों की पहले विकेट के लिए साझेदारी हो चुकी थी। पहला विकेट 110 पर गिरा गायकवाड़ का 9.1 ओवर के अंदर। मैं दोस्तों दूसरा विकेट भी जल्दी गिर गया फिर यहाँ पर डेविन कॉनवे का 118 पर 10.2 ओवर के अंदर। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा विकेट गिरा हुआ गिरा 150 पर शिवम दुबे का 13.5 ओवर के अंदर। इसी बीच शिवम दुबे ने बेहद शानदार पारी खेली, 15 गेंदों पर यहाँ पर 27 रन हो गए, जिसमें यहाँ पर 2 शानदार यहाँ पर छक्के भी लगाए। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के अभी तक पहली पारी में खेले गए इस मुकाबले में इस प्रकार विकेट गिरे हैं। तो यहाँ पर गायकवाड़ और कॉनवे की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने यहाँ पर पहले ही विकेट के लिए 110 रन जोड़ दिए। ये चेन्नई को बेहद शानदार यहाँ पर स्टार्टअप दिया चेन्नई सुपर किंग की टीम को। ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे ने, दोनों खिलाड़ियों ने बेहद शानदार यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया। कॉनवे यहाँ पर 47 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं यहाँ पर गायकवाड़ 53 रन बनाकर आउट हुए। दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ पारी खेली, बेहद शानदार यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया। दोस्तों अभी तक यहाँ पर MS धोनी, जडेजा और रायडू, बेलस्टोक जैसे बल्लेबाजों की बल्लेबाज आ रहा बाकी है। दोस्तों चेन्नई का स्कोर यहाँ पर 200 के पार भी आसानी से यहाँ पर जा सकता है। तो दोस्तों देखना ये रहेगा कि अब चेन्नई का टीम यहाँ पर 180, 190 या 200 का भी यहाँ पर आंकड़ा पार कर पाएगी। 200 ये देखना बेहद ही यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है कि किस प्रकार चेन्नई यहाँ पर अभी तक अंत के ओवरों में यहाँ पर बल्लेबाजी करती है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की अब तक के खेले गए मुकाबले किस प्रकार गेंदबाजी रही, तो यहाँ पर काइल वेल से 2 ओवर फेंके, 16 रन दिए, 8 की गोलों से 1 वाइड गेंद फेंकी। आवेश खान ने 1 ओवर में 17 रन दिए, 1 वाइड गेंद फेंकी। कुणाल पांड्या ने 2 ओवर में 21 रन दिए 10.5 की इकोनॉमी से। कृष्णभा गौतम ने 1 ओवर में 20 रन दे दिए 20 की इकोनॉमी से, काफ़ी महंगे साबित हो गए। यहाँ पर कृष्णभा गौतम पहले ओवर में 20 रन दे दिए। मार्क वुड ने अच्छी गेंदबाजी करी, 2 ओवर में 21 रन दिए, महंगे साबित हो थोड़े बहुत, लेकिन 1 विकेट भी निकाल दिया और 10.5 की इकोनॉमी से अच्छी गेंदबाजी रही। यश ठाकुर की बात करें, जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से, आज इनको कैप थमाई गई और यश ठाकुर ने 3 ओवर में 27 रन दिए 9 की इकोनॉमी से और एक यहाँ पर नो बॉल भी फेंकी थी। मेरे दोस्तों रवि बिश्नोई ने यहाँ पर 2.5 ओवर तक भी गेंदबाजी करी और 22 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। और आज पूरा ही पिच दोस्तों स्पिनर का ही रहा है यहाँ पर। रवि बिश्नोई को यहाँ पर टोटल 2 विकेट मिल चुके हैं अभी तक और 7.76 की यहाँ पर इकोनॉमी से बेहतरीन शानदार यहाँ पर गेंदबाजी करी। दोस्तों रवि बिश्नोई ने मात्र 17 गेंदों के अंदर 22 रन ही दिए और 2 विकेट निकाले यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के। दोस्तों दोनों विकेट बेहद ही बड़े थे यहाँ पर, एक तो गायकवाड़ का विकेट था
तो वहीं यहाँ पर डेविन कॉर्नवे का भी विकेट था जो कि यहाँ पर रवि बिश्नोई ने निकाला। दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग के फैन हो तो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों गायकवाड़ और यहाँ पर डेविन कॉर्नवे की यहाँ पर 110 रनों की पार्टनरशिप के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप चेन्नई सुपर किंग के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट।